और इन सबके बीच जांच एजेंसियां अब उस एजेंट की तलाश कर रही है जिसने सीमा हैदर को भारत में दाखिल करवाया था। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंची थी। सीमा के साथ उसके चार बच्चे भी भारत की सीमा पार करके पहुंचे थे, लेकिन अब जांच एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही है कि कैसे सीमा नेपाल से बस के जरिए पोखरा तक पहुंची और वहां से भारत की सीमा में आई। साथ ही पुलिस उस एजेंट को भी खोज रही है जिसने सीमा को भारत तक पहुँचाने में मदद की। जाँच एजेंसी नेपाल के उस होटल की भी जानकारी जुटा रही है जहाँ सीमा और सचिन मीणा ठहरे थे। और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच में दक्षिण कोरिया ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को हथियारों से मदद करेगा। दरअसल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल कीव के दौरे पर पहुंचे और राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। दरअसल वो यूरोप की यात्रा पर हैं और लिथुआनिया में नेटो के शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के बाद उन्होंने पोलैंड की यात्रा की और अचानक वो कीव पहुंच गए और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से वादा किया है कि रूस पर हमलों को अंजाम देने के लिए वो इस लड़ाई में उनके साथ हैं। यून ने अपनी इस यात्रा के दौरान इरपिन और बुचा का भी दौरा किया जहाँ सबसे ज्यादा मिसाइल हमलों को अंजाम दिया गया था। इस दौरान दोनों नेताओं ने कुछ समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए और यून ने ज़ेलेंस्की से मानवीय सहायता और सैन्य आपूर्ति जारी रखने का वादा किया। और इस बीच मुंबई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, उसमें दो लोग टमाटर की चोरी करते नजर आए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई जिसमें वो लोग टमाटर की पेटियां उतारते दिखाई दिए। जो वीडियो सामने आया उसमें गोदाम में वो लोग घुसते नजर आए। जब उन्हें आसपास कोई नहीं दिखा तो मौके का फायदा उठाकर टमाटर की पेटियां चुराकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। टमाटर की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी के बाद टमाटर की चोरी की कई घटनाएं सामने आई। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है जहां पर बड़ा हादसा हो गया। यहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने की वजह से 5 कांवड़ियों की मौत हो गई जबकि कई कांवड़िए झुलस भी गए। हादसे के बाद नाराज कांवड़ियों ने वहां जमकर हंगामा किया जिसके बाद भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। हादसा डीजे के हाई टेंशन लाइन से छूने की वजह से हुआ। बताया गया कि कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर वापस लौट रहे थे। जहां कांवड़ियों की गाड़ी हाई टेंशन वायर के संपर्क में आ गई और उस पर सवार कांवड़िए एक साथ करंट की चपेट में आ गए। बगल में 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही है। बताया जा रहा है कि शटडाउन लिया गया था लेकिन दोबारा चालू होने से उसमें करंट आने से इस तरह की बात बताई जा रही है। कांवड़ियों की मौत से वहां हंगामा शुरू हो गया। कांवड़ियों में शामिल चश्मदीदों के मुताबिक उन्होंने पहले ही हाई टेंशन लाइन में सप्लाई बंद करने के लिए सूचित किया था, फिर भी उसमें सप्लाई चालू थी जिससे यह हादसा हो गया और कई कांवड़ियों की जान चली गई। हॉस्पिटल में 10 लोगों को भर्ती करवाया गया जिनमें से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 लोग हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है जिनका इलाज चल रहा है और 3 लोग अभी सही सलामत हैं। पुलिस ने किसी तरह से लोगों को शांत कराया और लापरवाही के लिए कसूरवार लोगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया और हादसे की अब जाँच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से बड़ी खबर, यहाँ रेस्क्यू टीम को बाढ़ प्रभावित इलाकों में 24 शव मिले हैं। ज्यादातर शवों की पहचान कर ली गई है। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश की वजह से जबरदस्त तबाही मची है और ऐसे में बड़ी जानकारी हिमाचल के कुल्लू से निकलकर सामने आई है कि वहां पर 24 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और इनमें से ज्यादातर शवों की पहचान हो चुकी है। जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां से ये शव बरामद हुए हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 4 दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने के साथ बिजली गिरने का भी अनुमान लगाया गया। IMD ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जिसके मुताबिक उत्तराखंड में अगले 3 दिन यानी 16, 17 और 18 जुलाई को भारी बारिश की आशंका है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 18 जुलाई तक बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। दोनों ही राज्यों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश दर्ज की जा रही है।